गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सबुनाइक पाठशाला में। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, आज लगता है टाइम से हैं। परवीन, बलराम, दीपक, मंजय, रोहित, नीतीश, डॉली, प्रतोष, उमा शंकर, नविता, जागृति, तनुजा, शशि, शंकर, काजल, सुमन, ऑनलाइन स्टडी, मुजफ्फरपुर, अशोक कुमार, दीपक कुमार, दीपक, उमाशंकर, अंजलि दांगी, उमाशंकर एंड कुंदन कुमार। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बता दीजिए फटाफट कैसे हैं आप लोग, और तैयारी अच्छे से चल रही है ना? लॉकडाउन में बैठना नहीं है, लॉकडाउन में आपको बैठना नहीं है, तैयारी कंटिन्यूअस करती रहनी है, क्योंकि आपको लीड करना है। बहुत सारे बच्चे बैठ चुके हैं कि भाई क्या बोलते हैं, कोरोना खत्म होगा उसके बाद हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, सेट स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो, अगर आप अपनी तैयारी जारी रखते हो तो कहीं ना कहीं आप उनसे लीड ले लोगे, और अगर और आप इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में नजर आएगा। ठीक है, चल जल्दी से फटाफट सारे बच्चे को शेयर कर दीजिए। डॉली फाइन, काजल अच्छे हैं, चलिए वेरी गुड, और अच्छे रहना ही है आप लोग। सारे बच्चे बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। आई एम फाइन। नविता चौरसिया, मेरे बारे में पूछ रहा तो मैं तो एज कूल एज लाइक अ कुकुम्बर, खीरे के जैसा एकदम ठंडा। सुमन फाइन, चलो वेरी गुड। सालनी सालनी सलोनी सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग, फटाफट जोड़ो। दीपक कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग फटाफट बता दो जल्दी से, उसके बाद हम लोग चलते हैं। रितेश अच्छा हूँ, वेरी गुड। अंजलि दांगी फाइन, और फटाफट शेयर कर दिए और लाइक करते रहिए, लाइक का बटन रुकना नहीं चाहिए। और कुछ बच्चे पता है लाइक के जगह पे डिसलाइक मार देते हैं, आप पता नहीं उन्हें जान के करते हैं या अनजाने में उनसे हो जाता है। मैं भी अच्छा हूँ सालनी, वेरी गुड। तनुजा आई एम फाइन, मी एज कूल एज लाइक अ ककुम्बो, मैं भी अच्छा हूँ तनुजा, वेरी गुड। प्रवीण कुमार, अगर मेरे से पूछोगे कि मैं कैसा हूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, अगर मेरे से कोई पूछता है कि मैं कैसा हूं तो मैं रिप्लाई करता हूं एज कूल एज लाइक अ ककुम्बर। चलिए अब मैं आपसे कुछ बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, बोलना चाह रहा था, मुझे स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है बाद में समझ में आया, तो फटाफट जोड़िए और सारे बच्चे को बोलिए। और प्लीज ऐसे वाला कोई बटन होगा, एक ऐसे वाला होगा, एक ऐसे वाला होगा, तो ये मत कर देना, लेकिन अगर आप जान के कर रहे हो तो कोई बात नहीं। मैंने पहले ही बताया कि आपके प्यार और ना प्यार, मतलब जो प्यार और गाली दोनों मंजूर है मैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसे जरूर दबाइएगा, यानी लाइक का बटन। चलिए बहुत सारे बच्चे, अब बोलना क्या है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो अजीत सर का, सबसे पहले आप लोग थैंक यू बोलो अजीत सर का। सबसे पहले आप लोग जितने बच्चे अभी लाइव है, फटाफट सबसे पहले आप उनको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद कीजिए, क्योंकि मैं इधर दो दिन से जब से जुड़ा हूँ, देखो सबसे पहले आपको बताया कि मैं, हम लोग खुद अपने चैनल पे पढ़ाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा शेड्यूल बिजी रहता है, सुबह से लेकर, चाहे मैथ वाले सर हो चाहे हम लोग खुद अपने चैनल पे थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर अजीत सर ने हमसे कांटेक्ट किया, और हमने, और आपको पता है कि यहाँ कोई चार्ज नहीं ले रहा है, सर एकदम एक्टिव रहते हैं, ठीक है, सर हमेशा क्लास के बाद अगर हमारा क्लास खत्म हो सर तुरंत फोन करते हैं कि भैया सर आपका क्लास अच्छा रहा, मतलब मोटिवेट। फिर इसके बाद रात में अगर मैथ वाले सर का क्लास चला, आप लोग सब चले गए क्लास करके, अजीत सर ने तुरंत कॉल किया। तो सबसे पहले देखो हमारा शेड्यूल एकदम बिजी है, सुबह से अभी 8 बजे से हमारा शेड्यूल रात में 9 बजे तक बिजी है, यानी 6 से लेकर हमारा खुद का जो जहां हम लोग पढ़ाते हैं तैरीशाला, वहां पर हमारा शेड्यूल है, लेकिन अजीत सर इतने एक्टिव है कि अभी क्लास खत्म होगा वो तुरंत कॉल करेंगे कि सर अच्छा रहा, मजा आ गया, ठीक है, और फीडबैक, मतलब मोटिवेट करते रहते हैं। उसके बाद आप देख लो रात में मैथ वाले सर ने लिया, 11:30 खत्म हुआ क्लास और तुरंत उनका फोन आया। तो सबसे पहले आप अजीत सर को थैंक यू बोलिए, क्योंकि बहुत एक्टिव है, ठीक है, और हमेशा आपके साथ लगातार क्लास भी देखते रहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उनका धन्यवाद। और
आप लोग हर बार जब आओगे तो सबसे पहले सर को थैंक यू बोलोगे। मैं डेली ये 5 मिनट सर से थैंक यू बुलवाऊंगा, क्योंकि ये उन्हीं के वजह से हो रहा है, ठीक है। वरना मैं आपको नहीं जानता, इस चैनल को मतलब आपको समुदाय के सब मुझे कोई मतलब मैं जानता ही नहीं था, मतलब नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं था। लेकिन सर की वजह से लगातार टच रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो भाई हमें हमसे वो लगातार कांटेक्ट में है, ठीक है। कि शेड्यूल सर ये शेड्यूल चाहे ऐसे वैसे सारा चीज हमें इन्फॉर्म करते हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं, तो ठीक है। चलिए सबने थैंक यू बोल दिया, कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कम टू द पॉइंट। हम लोग बात कर रहे थे रैंकिंग पे, क्या बात कर रहे थे रैंकिंग। तो कल हम लोग पीडीएफ डालने वाले थे, इससे मेरी इस पीडीएफ से लेके सर से बात हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी अधूरा है, थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन करवा दूं उसके बाद अगर पीडीएफ डालूं तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो अभी आज के क्लास के बाद पीडीएफ चला जाएगा, अजीत सर आपको अवेलेबल करवा देंगे जहां जहां आप लोग को चैनल में चाहिए। लेकिन अभी आप मुझे प्रॉमिस करो, अभी सब कोई बच्चा मुझे प्रॉमिस करेगा, ऐसे नहीं, माता रानी कसम कोई झूठ नहीं बोलेगा, पीडीएफ मिलने के बाद बना के आप लोग सब कोई, ठीक है, सॉल्यूशन का पिक भेजोगे। जहां भी मैं ऐड हूं, मैं भी आपके उस चैनल होमवर्क वाले में ऐड हूं, मैथ वाले भी ऐड है। तो करना क्या आपको कि मैंने पीडीएफ, जैसे सर ने पीडीएफ भेज दिया, तो अभी सबको ही प्रॉमिस करूंगा जितने लाइव है, सबके सब मुझे वहां पर सॉल्यूशन भेजेंगे कि तरीका मैं देखूंगा कैसे आप बना रहे हो। आंसर से मुझे मतलब नहीं है, मतलब मुझे आपके सॉल्यूशन से है। मोबाइल आप सबके पास स्मार्ट है, खुद आप लोग स्मार्ट हो, स्मार्ट तरीका लगाओ, बनाकर एक जगह इसका स्नैप लो और डाल दो टेलीग्राम पे। तो अभी प्रॉमिस कौन कौन कर रहा है, हाँ इसके बाद पीडीएफ डाला जाएगा, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है, वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश, अभी सब मिलके प्रॉमिस करो जल्दी से फटाफट, मैं देखूं कौन कौन प्रॉमिस करता है कि सर हाँ सर जब भी पीडीएफ जाएगा, चाहे मैथ का जाएगा चाहे रीजनिंग का, आप उसका सॉल्यूशन यानी बनाकर आंसर भेजोगे। कौन कौन बच्चे फटाफट प्रॉमिस करो, ऐसे नहीं काम चलेगा, बोलना पड़ेगा, फटाफट सारे बच्चे प्रॉमिस करो, केवल लिखो कमेंट में प्रॉमिस सर, प्रॉमिस सर, चलो वेरी गुड, तब मजा आएगा, तब आपको मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। चलिए सारे बच्चे प्रतोष प्रॉमिस, चलो वेरी गुड, ऐसे नहीं तनुजा यस सर बना के नहीं प्रॉमिस, चलो राजीव सब जितना यस सर बोल रहा है सब चोर है, प्रॉमिस करने से डरता है, प्रॉमिस ऐसे नहीं काम चलेगा, माता रानी कसम दे दी है अब मैंने, सबको प्रॉमिस करना पड़ेगा। जी सर यस सर नहीं, जी सर यस सर मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता है कि प्रॉमिस करोगे तो आप लोग निभाओगे, प्रॉमिस करो फटाफट, और जो भी डाउट होगा आप मुझे टेलीग्राम पे वहीं पे कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। मैं और मैथ वाले सर वहां पे जुड़े हुए हैं, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सर मुकेश सानली छोटू शशि छोटे सॉरी नविता वेरी गुड। चलिए और ये लाइक क्यों नहीं हो रहे भाई, लाइक तो करते जाओ। अमरजीत कुमार सर ग्रुप कौन सा है, सर ग्रुप कौन सा अभी तक आपने पूछा है सर, अभी बता देंगे आपको, ठीक है। चलो वेरी गुड मनीता प्रॉमिस, चलो हाँ ये कुछ मजा हुआ। अब हम लोग आते हैं कम टू द पॉइंट, सबको प्रॉमिस करेगा, माता रानी का समय कोई झूठ नहीं बोलेगा, पाप लगेगा। देखो अब जितने बच्चे कल कर लिया परसों कर लिया, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लो, 5 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा मैं बनाने तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है, आपका भी हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा, और बाकी जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये तकलीफ नहीं होगी कि सर आपने क्या स्टार्टिंग में बताया हमें पता नहीं चला। तो केवल 5 मिनट का रिवीजन जरूरी है पर डे, तो अकबकाना नहीं, ये सर हम तो पहले पढ़ लिए हैं, तो आपको सबको क्योंकि सबको ही बराबर है तो हमें सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमने बताया कि देखो एक बार देख लो फटाफट रैंकिंग में करना क्या होता है। वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य महेश उमेश वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए वो सारा आपको बता देंगे अब अजीत सर की कैसे जुड़ना है कौन सा है वो सारा आपको सर बता देंगे, ठीक है। देखो रैंकिंग के क्वेश्चन में रैंकिंग के प्रश्नों में किसी व्यक्ति वस्तु
स्थानों की सापेक्षिक एग्जैक्ट पोजीशन दी गई होती है। इसमें कोई व्यक्ति वस्तु स्थान की स्थिति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान की स्थिति से क्या हो सकती है, रैंकिंग में हमें वही पता करना होता है। यानी हमें रैंकिंग में एक एग्जैक्ट दिया होगा, उसकी दूसरी स्थिति ज्ञात करनी होती है। तो केवल नए विद्यार्थी को जो हमसे जुड़े हैं, ठीक है, चलो टाइप वन। टाइप वन का सवाल कैसा होगा, तो मैं सवाल नहीं करवाऊंगा, केवल थोड़ा सा ये बता देता हूं कि टाइप वन में सवाल कैसा होगा। तो टाइप वन में कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई होगी और एक स्थिति उसकी दी होगी और हमें दूसरी स्थिति निकालने को कहेगा। अगर मान लो टॉप यानी ऊपर से दिया हुआ है तो आपको नीचे से निकालने बोलेगा, तो कुछ नहीं करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या में नीचे वाला घटा दो और बाहर माइनस वन प्लस वन कर दो, आ जाएगा आपका आंसर ऊपर वाला। अगर राइट वाला दिया है तो लेफ्ट वाला निकालने कहेगा, तो कुछ नहीं करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या में जो राइट वाला दिया है उसको घटा दो, बाहर प्लस वन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये था टाइप वन, जिसमें टोटल नंबर और एक लेफ्ट या राइट टॉप या बॉटम दिया रहेगा और दूसरा निकालना कहेगा। तो हमें अंदर क्या कर देना है, माइनस करके बाहर प्लस कर देना है। ये हमारा नंबर वन था। आगे बात करते हैं, यानी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, सॉरी ओहो ये मेन फॉर्मूला है, माइनस वन यानी कहां से आया है, तो देखो यहां पर टोटल लेफ्ट प्लस राइट और माइनस वन, अगर टोटल निकालना हो तो, और अगर लेफ्ट निकालना हो तो टोटल माइनस आर और प्लस वन, ये तरीका है। अगर आपको यही बस ये याद रखना है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये मैंने सवाल करवाए थे, सवाल नहीं करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपका टाइम समय बचे। टाइप टू, तो मैंने बताया इस टाइप में क्या करना है कि कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछेगा, तो लेफ्ट दिया होगा, राइट दिया होगा और आपको माइनस वन कर देना है, तो आ जाएगा हमारा टोटल। बस ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है तो ये दोनों एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, दूसरे अलग अलग व्यक्ति का नहीं, तो आंसर नहीं आएगा टोटल नंबर। ठीक है, आंसर आएगा जब बीच में कुछ व्यक्ति होंगे तब। चलो पप्पू वेरी गुड मॉर्निंग, सुरुचि वेरी गुड मॉर्निंग। ये टाइप टू। टाइप थ्री, तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में दो व्यक्ति या वस्तु अपना स्थान एक्सचेंज कर लेगा यानी बदल लेगा। तो जब बदल लेगा तो किसी क्या पूछेगा आपसे, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो मैंने इसका बताया है रूल, देखो यहां लिखा हुआ है, कुल व्यक्ति पहले व्यक्ति की वर्तमान स्थिति प्लस दूसरे व्यक्ति की पूर्व स्थिति माइनस वन, यानी प्रेजेंट और पास्ट माइनस वन। ठीक है, पहले व्यक्ति का वर्तमान प्लस दूसरे व्यक्ति का पूर्व स्थिति माइनस वन। अच्छा पप्पू सर साउंड इज नॉट क्लियर, सारे बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप फोर। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप फोर। टाइप फोर कि इस टाइप के प्रश्नों में दो व्यक्ति या वस्तु अपना स्थान बदल लेगा। ठीक है, बदलने के बाद आपसे पूछेगा किसी एक का वर्तमान। तो जब दो व्यक्ति का नाम आएगा तो अगर एक का दोनों दिया रहेगा तो आपसे दूसरा का दूसरा पूछेगा। तो आपसे देखो अगर पहले व्यक्ति का पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, दूसरे व्यक्ति की वर्तमान एवं पूर्व स्थिति का अंतर, अंतर बोले तो माइनस अब प्लस पहले व्यक्ति का पूर्व स्थिति, ये जोड़ देना है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का वर्तमान अगर पूछे तो पहले व्यक्ति की वर्तमान एवं पूर्व स्थिति का अंतर प्लस दूसरे व्यक्ति की पूर्व स्थिति, बस इतना कर देना है। चलिए ये था हमारा टाइप फाइव, हमने कर लिया। चलिए चलिए कल ये वाले सवाल में कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर और हमारा समय हो चुका था, क्योंकि पता है कि हमारा शेड्यूल इसके बाद थोड़ा बिजी है। तो ये वाले सवाल का जरा एक बार आंसर करना फिर से, देखूं जल्दी से फटाफट। अब आ गया आप, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां तक हमने कल स्टॉप किया था। एक बार बता दो किसको किसको इस सवाल में प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि कल सबका मैं बता नहीं पाया था, क्योंकि तुरंत बताने के बाद हमारा ये क्लास ऑफ हो गया था। तो बता दो किसको किसको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है।
एक नंबर था, किसको किसको प्रॉब्लम था कमेंट कर दो एक बार फटाफट जो बच्चे हैं। मोनिका श्री, वेरी गुड मॉर्निंग मोनिका। और देखो अभी मैं अगर देखो अगर आप अगर मैं बता रहा हूं बीच में अगर आप सोचोगे सर मेरा नाम ले लिए तो गाली वाली मत देना, ठीक है, कि सर हमरा से कोई दुश्मनी उश्मनी है क्या कुछ, क्योंकि तो अगर मैं बता रहा हूं तो आप यहाँ पे आप कमेंट केवल पढ़ने थोड़ी आऊ, मैं पढ़ूंगा जब यहां आपको बता दूंगा तब, ठीक है शशि। चलो किसी को इस प्रॉब्लम सवाल में प्रॉब्लम हुआ था कल, कल ये मैंने करवाया था, इसके बाद हम लोग नया वाला सवाल करेंगे पहले, क्योंकि मैंने यहां खत्म किया और कुछ बच्चों का सर समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया। एक बार बता दो फटाफट सबका आंसर तीन आ रहा है। चलो आदित्य ए, वेरी गुड तनुजा, यस सर, सारे बच्चे कमेंट कर दो, क्लियर है ना, डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। तो मैंने इसमें बताया क्या था, थोड़ा सा देखना आज के बाद आगे चलता हूं, कि 10 विद्यार्थियों के क्लास में राहुल का स्थान बाईं ओर से 8 है और अजय का 7 है, तो देखो टोटल कितना है 10, और इसके कंपैरिजन में यानी इसके टोटल नंबर के कंपैरिजन में लेफ्ट और प्लस राइट का जो योग है देखो 8 7 कितना 15, तो ये ज्यादा हो गया, कौन ज्यादा है लेफ्ट राइट, तो जब कभी टोटल यानी कुल से अधिक हो जाए आपका लेफ्ट और राइट का योग तो कुछ नहीं करना है केवल टोटल में 2 जोड़ दो, तो अब कितना हो गया 12 और घटा दो इसमें 12, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है चलिए क्लियर। और एक बेसिक देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ओवरलैप का सवाल है, ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, 10 लोग हैं। अब देखो राहुल का स्थान बाईं ओर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है 8, यानी ये हो गया हमारा राहुल। अब अजय का दाईं ओर से 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया अजय बाबू। अब कितने बीच में है 3, तो इतना लाइन खींचोगे उससे अच्छा ये नहीं कर लोगे, अरे बतवा इस दशे में ना यहां भी 3 आया यहां भी 3 आया, तो काहे का इतना लाइन खींचना, हम ऐसे ही बना देंगे देख के फटाफट। अब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है कि अच्छा टोटल कम है यानी कुल जो विद्यार्थियों की संख्या वो कम है और उसके जोड़ यानी लेफ्ट और राइट का ज्यादा है, तो बस जिसमें यानी जो कम है इसमें 2 जोड़ दो और घटा दो आंसर आ जाएगा। अगर इसको बेसिक से बनाओगे तो बतवा वही पड़ेगा, ठीक है जैसे मैं बोलता हूं बतवा इज द सेम, क्लियर। आगे चलते हैं बताओ इसका, हाँ चलिए वेरी गुड क्लियर, पप्पू यादव क्लियर है सर, वेरी गुड सुरुचि, यस सर प्रॉब्लम है सुरुचि, कमेंट कर दिया क्लियर हो गया। मोनिका सर क्लास नहीं किए थे, तो हमारा जो आप ये क्लास देख रहे हो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके एक बार देख लेना सुरुचि, सॉरी मोनिका, सुरुचि क्लियर हो गया एक बार कमेंट कर देना। चलो बताओ जल्दी से फटाफट अगले सवाल का आंसर करो फटाफट। चलो मेरुखा माहे, वेरी गुड क्लियर है, चलो फटाफट बता दीजिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रियंका कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग, सब तक क्लियर हो गया ना, चलो तनुजा यस सर क्लियर है, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से फटाफट। डॉली बी फटाफट जल्दी से, चलो रितेश बी, डॉली, प्रवीण, दीपक, पप्पू, आदित्य, अंजलि, बी बी यानी सबका 25 आ रहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीपक, सुमान, जागृति, तनुजा, बिपिन, बिपिन का 15 आ गया भाई कैसे आ गया, सुरुचि चलो वेरी गुड सुरुचि, प्रतोष बी, अंजलि बी, सुरुचि जी सर चलो ठीक है, थैंक यू सुरुचि आपने रिप्लाई किया। और ये लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कि आप लोग लाइक कर दोगे, कितना बुलवाते हो यार, अब का ना यहां पे नाचे बचेंगे तब तुम लोग लाइक करोगे, आ जाओ यहां पर। देखो 115 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 44 है, कितना है 44 ये टॉप से, अब निकिता का स्थान नीचे से 46 है, तो 6 4 10 4 4 8 और 1 9 90। अब आप देखो कि टोटल हमारा 115,
और लेफ्ट राइट 90, तो ये ज्यादा हो गया, तो कुछ नहीं करना, केवल इसमें घटा दो, 5 2 25। अगर कम रहे टोटल तो 2 ऐड करना है, लेकिन अगर ज्यादा रहे तो नॉर्मली घटा दो, आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट जल्दी से, देखो तो अजीत सर भी लगे हुए हैं आपके साथ। तो जिन लोगों ने, एक बच्चे ने 15 आंसर किया था, तो भाई एक तो रेगुलर रहा करो, समय से आओ, तभी सीखोगे। जैसे एक ने कहा कि सर मैंने क्लास नहीं किया है, तो आप पिछले का वीडियो देख लो उसके बाद, क्योंकि ये अभी टेलर है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। आने आने वाले समय में मैं रीजनिंग आपको ऐसा पढ़ाऊंगा जैसा आपने कभी सोचा नहीं था। कहानियों पर कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसकी पूरी गारंटी है। कहीं भी लिख के साइन मुहर मार लो, अगर मैंने आपको कलम पकड़वाया तो फिर बोलना, ठीक है? पेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, और इसकी गारंटी पूरी है। कहीं भी हमसे विश्वास अधिक कर लेना, ठीक है? ट्रस्ट कर लेना। और अभी टेलर चल रहा है, पिक्चर तो बाकी है। चलिए फटाफट, सबका क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो, सबका क्लियर है? इसका आंसर 25 होगा। किसी को डाउट? तरीका बता दिया कि जब टोटल, अब देखो इसमें पिन लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में, टोटल 115, तुरंत लेफ्ट राइट को जोड़ दो, 90 यानी ज्यादा है टोटल, तो 115 में 90 घटा दो, आ जाएगा 25। कमेंट कर दो। कैसे कमेंट करना है? तो हर सवाल के बाद आपको मुस्कुराना है। मैं भूल गया क्या? ऐसे नहीं, मुस्कुराना है कि क्लियर सर, स्माइल कर दो फटाफट जल्दी से। अगला सवाल, तीसरा सवाल था ये। अरे मुस्कुराते रहो, जिंदगी छोटी है, पता नहीं, ठीक है? और इसमें भी दुख बहुत ज्यादा है, तो हमेशा मुस्कुराते रहो, थिंक पॉजिटिव, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव सोचो और हमेशा खुश रहो, ठीक है? वेरी गुड, बताओ इसका आंसर। चलो वेरी गुड, मजा आ गया, सब मुस्कुरा रहे हैं। करा एक कक्षा में अमित का स्थान बाएं छोर से 9 है, और अजय का स्थान दाएं छोर से यानी राइट साइड से 7 है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो बताइए कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? और देखो तो जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, अभी इसके बाद, क्योंकि ये सवाल पहले का है, तो हम लोगों ने इसको फिर से, हम लोग जैसे हिंदी और इंग्लिश में देते हैं, पहले मुझे लगा केवल हिंदी सफिशियंट है, लेकिन नहीं, कुछ विद्यार्थी है जिनको प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसका अगले आगे वाले 4 सवालों के बाद इंग्लिश हिंदी दोनों में है। चलो वेरी गुड, 21 आ रहा है सबका आंसर। चलिए पहले आप आंसर कर लीजिए, मैं साइड हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेता है सवाल का ले सकते हो, मैं साइड हूं। चलो ए बी सी, और सबका आ रहा है सी, सबके सब। चलो सबका 21 आ रहा है, लगता है सब कोई कॉपी पेस्ट कर, सीसीपी कर रहा है। सीसीपी मतलब समझ में आता है, कट कॉपी पेस्ट, यानी सब कोई सीसीपी कर रहा है। 21 सबका आंसर कैसे आ सकता है? ये संभव कैसे कि कोई दिमाग नहीं लगा रहा है? एक का आया है, डॉली कुमारी ने ई बोल दिया, वेरी गुड, बाकी सब 21। जैसे लग रहा है कि कट कॉपी पेस्ट का खेल चल रहा है, सीसीपी सीसीपी सीसीपी, यानी 21 21 21। कैसे? थोड़ा लॉजिकली तो सोचो। एक बच्चे ने, चलो अंकित कुमार ने, एक ने डी कर दिया, वाह, एक ने ई एक ने डी और बाकी ने 21 बाकी सी, तो कोई दो बच्चा कर दो, ए और बी आंसर आ ही जाएगा, पांच ही तो ऑप्शन है, कोई ना कोई एक आंसर होगा ही। सिंटू ई डी, यानी कि ई बी डी बी, कंफ्यूजन है ये। सवाल समझो, सवाल अकल लगाओ, ठीक है? दिमाग खोलो थोड़ा सा, सवाल पढ़ो। गलत है 21, गलत है गलत है, आंसर ये दोनों में है। अब मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं, आंसर ये दोनों में है, ये दोनों मैंने हिंट किया था कि अब तीनों को जोड़ोगे तो वो वाला फंडा खत्म, सब में काम नहीं करता है वो। मैं बता दिया कि ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत, अकल अकल का दिमाग दौड़ाओ, ठीक है? खोलो दिमाग, सवाल पढ़ो।
कक्षा में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी आपसे पूछ रहा है कितने बैठ सकते हैं, यानी मिनिमम मैक्सिमम का ये सवाल है। मिनिमम और मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, सवाल समझो। अब देखो मोनिका का 11 आ रहा है, अब देखो बी भी शुरू हो गया, वाह। अब पहले अभी ई का दौर चला, अब फिर सॉरी सी का दौर चला, अब आप चल रहा है बी का, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये गलत ये गलत ये गलत, अब यही दो मैच रहे। चलो जल्दी से बता दो। अब देखो मैं इसका एक तरीका बता देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूं कि पहले लेफ्ट अब प्लस राइट, तो नौ अब प्लस कितना कहां गया, पांच, इधर पांच है, तो आपको पता है कि नौ अब पांच कितना होता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। नौ और मुझे नहीं आती है, जोड़ घटा मुझे नहीं आता, मैथ नहीं पढ़ाता मैं, बताओ नौ और पांच कितना होता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, नौ और पांच कितना होता है। देखो यहां पर जल्दी से बता दो कितना होता है, नौ पांच, चलो चौदह, वेरी गुड सबका, हाँ वेरी गुड, मुझे नहीं आता, आप लोग बताओ क्या हो जाएगा। अच्छा सॉरी, नौ पांच नहीं है, ये सात है, पता नहीं मैंने सात पांच कैसे देख लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सात है, ये सात है, सात, सात है, और ये बीच की वैल्यू ये लेफ्ट राइट, तो बता दो कितना हो जाएगा जल्दी से फटाफट। चलो अब आ रहा है सोलह, सोलह आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड, सोलह। तो कुछ नहीं करना है, देखो अब मैं आपको बताता हूं, मैंने पूरा टाइम आपको दिया बनाने में, हरा नहीं रहा हूं बिल्कुल। जब कभी आपसे ये आप नोट कर लो कि जब कभी आपसे पूछे कितने बैठ सकते हैं, यानी मैक्सिमम, ठीक है, कितने बैठ सकते हैं, तो मिनिमम मैक्सिमम का जब सवाल आएगा, अब समझो मेरी बात, अब कमेंट मत करो, अब आप यहां ध्यान दो, सवाल में क्या पूछा कि अमित का स्थान, मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट से भी बता दूंगा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बता दूंगा, जो मैं अपना बता देता हूं आपको, कि एक कक्षा में अमित बाएं छोर से नौवां है और अजय दाएं छोर से सात है, यदि इन दोनों के बीच में पांच विद्यार्थी हैं, तो मतलब कितने बैठ सकते हैं, कितने विद्यार्थी। तो करना क्या, आपको पहले मैं एक आसान कॉन्सेप्ट देता हूं बिना पेन वाला, कि करना क्या है कि लेफ्ट और राइट जोड़ दो और मीडियम में प्लस दो कर दो, तो नौ सात कितना होता है बताना जरा सा, सोलह, अब माइनस सत्रह कर दो, माइनस सत्रह कर दो, सात कर दो, सात कितना आएगा, नौ आ जाएगा, नौ आ जाएगा, आंसर नौ है, आंसर नौ है, गलत गलत गलत, आंसर नौ था, आंसर नौ होगा, गलत है, सबका आंसर गलत था, मैंने सबको मौका दिया, हिंट भी किया कि आपका ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास क्या बता रहा हूं, नो, अब मैं इसको प्रूफ करूंगा कैसे, ठीक है। अब मैं आपको पहले तरीका समझ लो एकदम शॉर्टकट वाला, कि अगर आपसे बोलेगा कि कितने बैठ और कितने विद्यार्थी कक्षा में, कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, तो आप क्या करना कि लेफ्ट और राइट को जोड़ दो और बीच वाला का जितना है उसमें दो जोड़ दो और घटा दो, आंसर आ जाएगा। चलिए अमृत कुमार, यस सर। अब देखो समझो बेसिक, जो आप लोग लाइन खींचते हो, क्योंकि प्रूफ करना जरूरी है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, आ जाओ समझो बात को। अब देखो मैं यहां पर कर देता हूं, एक क्लास में अमित का स्थान बाईं छोर से, तो ये होता है लेफ्ट, कितना है तो नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। अब ये राइट, अब अजय दाएं छोर से सातवें स्थान पर है, तो ये
हैं, यानी ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका अमित और ये हो गया आपका कौन, एक कक्षा में अमित और बाएं छोर से अजय। लो अमित और अजय दोनों बैठा हुआ है, अमित जो है ये बाएं छोर से नौवा है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ये हो गया अमित, और दाएं अजय, ये हो गया अजय, एक दो तीन चार पांच, क्या पांच विद्यार्थी नहीं बैठे हुए हैं, तो कितने बैठ सकते हैं मैक्सिमम, यानी कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो नौ। ये आपका आंसर, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोग लाइन से खींचते हो। और एक मैंने बता दिया क्या कि लेफ्ट को और राइट को जोड़ दो और मीडियम वाला वैल्यू में प्लस टू कर दो, ये लिख लो रूल, लेफ्ट और राइट कब, जब आपसे कितने बैठ सकते हैं पूछेगा तब, तो लेफ्ट कितना, तो आप देख रहे हो कि नौ और प्लस कितना सात और पांच अधु सात, माइनस कर दो माइनस, तो यहां पे देख लो क्या आएगा, तो सोलह माइनस सात नौ, तो आपका यहां से भी नौ आया और यहां से भी नौ आया। चलो देख लो, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लाइन वाला खींचने वाला, ये आपका बेसिक कौन, अच्छा टू क्यों जोड़ देंगे, ये और ये भी तो काउंट होना था ना सर जी, मीडियम के बाद इसका भी तो वैर, इसके बीच का ना बोल रहा है, तो ये अजय और अमित के नहीं जोड़ोगे आप, ये ओवरलैपिंग का सवाल है, एक दूसरे को गुजर गया है वो, ठीक है, तो ओवरलैपिंग में हम क्या करते हैं, दो जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों ये दोनों काउंट नहीं होता है, तो हम लोग दो जोड़ देते हैं। प्रूफ कर दिया, देखो यहां पर मैंने यहां पे प्रूफ कर दिया लाइन खींचकर। अब आपको किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए, किसी को डाउट। देखो थोड़ा सा आपने जो पढ़ा है रटा रटाया पढ़ लिया है, आप अगर कॉन्सेप्ट से काम करोगे, मैं पहले बता दिया कि कोई ट्रिक नहीं देता हूं, जो भी बात करूंगा वो कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा और कंफर्म प्रूफ के साथ बात करूंगा, ये अगर लाइन पे बनाओगे तो ऐसा ही ना बनाओगे, यही ना फंडा है, लाइन पे मैंने दोनों प्रूफ कर दिया। अब बोलोगे सर प्लस टू क्यों कर रहे हो, वेरी गुड, सवाल पूछते मुझे मजा आता है, आपके सवाल कभी यहां से खाली नहीं जाएंगे, जब ये अगर ये ओवरलैप का सवाल है तो इसको इसको बाद में हम जोड़ेंगे ना, क्योंकि इसके बीच की बात कर रहा है, तो ये दोनों मिस कर जाता है, तो हम इसको प्लस टू कर देते हैं, क्योंकि क्लास में ये भी दोनों तो है, एकदम प्रूफ आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी बताऊंगा प्रूफ देके बताऊंगा, ये आपका बेसिक और ये आपका कॉन्सेप्ट, तो लिख सकते हो कि जब ऐसा सवाल पूछे कितने बैठ सकते हैं, तो लेफ्ट राइट को जोड़कर और मीडियम यानी जो बीच की वैल्यू उसमें प्लस टू कर दो और घटा दो, आंसर आ जाएगा। अमृत कुमार हिला दिया सर, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, हिला दिया सर, बेसिक में सात तो है, नाइन कैसे, हाँ बेसिक में सात कैसे आ गया, अरे मैं कितने व्यक्ति मैं बोल रहा अधिक से, आप इसको भूल गए क्या, अमित कहाँ है, नाइन विद्यार्थी है, तो नाइन लोगे ना पूरा, और उधर से राइट सात आ गया और बीच में पांच, और ये भी बीच में उसके कंडीशन को पूरा कर दिया, तो यानी नौ बैठ सकते हैं, ये आपका देखो लाइन बना हुआ है, जो सवाल बोला मैंने उसी को बता दिया लाइन पे और उसी को बता दिया मैंने ऐसे। चलो और किसी को, तनुजा प्रूफ समझ में नहीं आया, चलिए मैं तैयार हूं फिर से समझाने के लिए आपको, ये सवाल में क्या दिया गया है समझो बात को, कि अमित का दाएं छोर से नौ है, सॉरी बाएं छोर से यानी लेफ्ट से, तो आप लेफ्ट काउंट करोगे, चलो आ जाओ, यानी ये होता है लेफ्ट, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ये कौन है, तो ये अमित है, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला कि दाएं छोर से अजय का स्थान सात है, तो यहीं पर ये लाया है, तो हम क्या करेंगे दाएं छोर से, तो एक दो तीन चार पांच छह सात अजय, और इसके कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, बीच में पांच है, तो देखो एक दो तीन चार पांच, तो कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो मैक्सिमम नौ है, यानी इसका आंसर नौ हो जाएगा।
बाकी आप लोग 21 कैसे कर रहे थे, 22 कैसे, ये 10 कैसे ला रहे थे, पॉसिबल ही नहीं है। आप देख लो, बताओ क्लियर हुआ? देखो फिर से मैंने बता दिया प्रूफ करके। अब देख लो फिर से, जो सवाल बोल रहा केवल उसको पढ़ो, 9, 7 और बीच में 5, क्या 5 ऐसा प्रूफ हो रहा है? हो रहा है, देखो 9 इधर से, 7 इधर से, या बीच में 5, बीच में 5 हो गया, तो कितने बैठ सकते हैं? 9। चलो बोल दो फटाफट जल्दी से, सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी स्माइल करके फटाफट क्लियर हुआ, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। थैंक यू अमित कुमार, अमृत कुमार, एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए फटाफट, क्लियर हुआ कि नहीं स्माइल करके। अब देखो कुछ बच्चे आएंगे जाएंगे, तो आया राम गया राम, आपको मेरा राम राम, ठीक है? क्योंकि अगर जो बच्चे रेगुलर पढ़ेंगे, एग्जाम मतलब मोटिव यानी एक एम बना के रखे हुए हैं कि नहीं पढ़ना है सीखना है, तो मैंने बेसिक भी प्रूफ कर दिया, आपको सवाल को जस्टिफाई करना है, हमने जस्टिफाई कर दिया। लेफ्ट से 9, राइट से 7, अब बीच में 5 हो गया, 5 लोग कितने बैठ सकते हैं? तो 9। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर हो गया तो क्या करना है। लेकिन आप लोग लाइन खींचने से बाजे नहीं आओगे, अभी आपने बोल दिया सर प्रूफ करो प्रूफ करो, लो प्रूफ कर दिया, विश्वास कर लिया करो तो कभी कभी। तो क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट, और क्या कर देना है कि मीडियम में 2 घटा दो, यानी बीच की वैल्यू में, लो घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां पे करोगे तो ये तरीका लगाओगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन कब, जब आपसे पूछेगा कितने बैठ सकते हैं तब, यानी आपको मैंने अभी तक जितना बताया है बिना पेन इस्तेमाल किए वाला तरीका बताया है, ये आपने करवाया है मेरे से, ठीक है? अब पाप लगेगा आपको, विश्वास नहीं करते हो, ये आपने करवाया है, मैंने नहीं किया है, मुझे इस पे भरोसा है। चलिए अगले सवाल की ओर, ये रहा अगला सवाल, चलो फटाफट बताओ। जल्दी से सारे बच्चे, अब फिर सर इसको ट्रिक बता रहा है, अरे मैं ट्रिक नहीं है भाई, चलो देखो। हाँ अब जिसके पास थोड़ा सा अकल आ गया होगा वो काम कर लेगा, क्योंकि स्मार्ट आप लोग सब हो, हार्ड वर्कर हो, मुझे पता है सबके सब मेहनती हो, केवल थोड़ा सा अकल खोलना है आपका, ठीक है? वेरी गुड। तनुजा, सुमन, छोटे, काजल, प्रियंका, संतोष, नविता, दीपक, विपिन, पप्पू यदुवंशी, प्रवीण, प्रतोष, जागृति, अंजलि, मनोज कुमार यादव, अंकित कुमार, अमरजीत। चलिए अब अमरजीत को कंफ्यूजन हो गया, वेरी गुड, खुल के बोलो। देखो शर्माओगे कि यहाँ लड़की है चाहे लड़का है तो ये यहाँ काम नहीं चलेगा, खुल के बोलो, ठीक है? भूल जाओ क्लास में कौन है, बाकी दुनिया गई बाढ़ में, हम सर से पूछेंगे, अगर हम यहाँ सेवा दे रहे हैं तो पूछोगे ना, ठीक है? तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा, एकदम खुल के पूछो बेशरम टाइप से। बी, चलिए एकदम पहले वाला सवाल ही रिपीट है, बी इज द राइट आंसर। समझो, एक कक्षा में सुमित का बाएं छोर से 9 है और दाएं छोर से 7 है, यदि प्रियंका बीच में बैठी हुई है, ठीक है? अगर प्रियंका बीच में बैठी हुई है तो बताए इस कक्षा में कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो अरे 5 बीच में था, तो यानी ये ऐसे इधर और ये ऐसे इधर, यानी कि आपका 9 विद्यार्थी। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं पहले वाले सवाल पे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना 9, ये कौन हो गया? सुमित। और दाएं छोर से सुजीत, कितना?
सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, और बीच में कितने, तो अंकिता जो इनके बीच बैठी हुई है, तो आपको पता है कि बीच कितना बैठा है, तो आप क्या करो कि फटाफट इसके कंडीशन को पूरा कर दो, लेफ्ट और राइट, और बीच में पांच, तो यानी कि ये हो गई अंकिता, तो को इधर भी दो इधर भी दो, बीच में बैठ गई, तो टोटल कितना बैठ सकता है, मिनिमम कितने बैठ सकते हैं, तो नाइन इज द राइट आंसर। यानी पहले वाले सवाल को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, बस ये एक टेस्ट था कितने बच्चे पास होते हैं, कि कोई 17 बोलता है, कि कोई 10, कोई सी एंड डी, लेकिन वेरी गुड, सबका आंसर 9 आया, सब कोई समझ गए। अगर क्लियर है, वेरी गुड। दीपक, शालिनी, राजीव, अशोक, नीतीश, मरुख, माहे, रोनी, अमृत, चलो तो एक बार स्माइल कर दो फटाफट, चलते हैं अगले सवाल की ओर, मुस्कुराते रहना है, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना, एक बार कमेंट कर देना। अच्छा, अगर मैक्सिमम होता तो एकदम सवाल सवाल आएगा सर, एकदम देख लेते हैं, मैक्सिमम रहता तो क्या, मैं ऐसे हवाबाजी नहीं करता हूं, सवाल दूंगा और आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम होता तो क्या होता, आएगा ही सवाल कोई ना कोई, चलिए फटाफट। देखो मेरे क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा, मैं बड़ी कुछ करवाता हूँ, थम सम्स दिलवाता हूँ, मुस्कुरा देता हूँ, कभी कभी आपको कमेंट करवा दूंगा, सवाल बदल दूंगा, आपको एक्टिव रहना है। चलिए वेरी गुड सुमन, अमित, अमृत, बताओ इसका आंसर। एक पंक्ति में राजू का स्थान बाएं छोर से 1336 है और दाएं छोर से 2112 बैठे हैं, तो बताएं किस पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हुए हैं, कुल कितने लड़के बैठे हुए हैं, चलो फटाफट जल्दी बताइए। इन लोग लाइक नहीं करने वाला है सर, इन लोग बोल दिया है कि सर लाइक नहीं करेंगे, आप नहा के आइए चाहे नहीं आइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको हमारा चेहरा ही पसंद नहीं आ रहा है ना क्लास पसंद आ रहा है, लाइक कहां से करेंगे, चलो बताओ जल्दी से। चलो फटाफट जल्दी से, देखो अभी भी छोटू लव वाला साइन बोल रहा है, अरे तो भाई हमें बदनाम मत करो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इतना लव वाला साइन भेजा जा रहा है ये, चलो फटाफट आंसर करो आंसर करो। चलो वाह बी बी, क्या आंसर आपके आ रहे हैं, दिल खुश हो गया, चलो वेरी गुड, मैं सबका आंसर देख रहा हूं, पहले मैं मौका दे रहा हूं, शालिनी सी, उमेश शंकर सी, प्रवीण, सुरुचि ने स्माइल किया, चलो सुरुचि एक बार कमेंट कर दो आप, तनुजा बी, यानी बी और सी, चलो बी और सी, बी और सी आंसर आ रहा है, बी और एक आ रहा है सी, चलो वेरी गुड वेरी गुड। बलराम सी बी, चलो वेरी गुड, क्या बात है, कितना अच्छा आंसर आ रहा है, मोनू बी बी पप्पू। अब देखो एक फिर से मैं कहावत सुनाता हूं आपको, वही वाला तोता वाला, कि शिकारी आएगा, एक तोता रखे हुए था एक इंसान, ठीक है, उसको सिखाया गया, ये आपने भी सुना होगा, हमारी दादी ने बहुत सुनाया है, कहती थी बचपन में कि एक इंसान जिसने तोता पाल रखा था, बोला था क्या कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, ठीक है, मैंने आपको रटा दिया कि सवाल देखना, ट्रिक या रूल रटना मत, सवाल को समझो फिर आंसर लगाओ, वही बात हो गया, तो ऐसा ही आप लोग मेरे तोते हो गए, मैंने आपको रटाया कि बाबू देख ले, शिकारी आएगा, एग्जामिनर आएगा, सवाल में आपको फंसाएगा, उसके सवाल में फंसना मत, लेकिन आप लोग सब के सब वही रट्टू राम तोता हो, अरे आंसर सी एन डी हो जाएगा, क्या बोल रहे हो यार, कुछ भी बोल देते हो, आंसर सी एन डी होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, मैं ऐसे सवाल में फंसाता हूं जान के, घुमा फिरा के सवाल, इसका आंसर सी एन डी होगा भाई, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, हिंदी में लिख देता हूं, लो बाकी सब गलत।
सब गलत है। देखो अब लास्ट में मेरु की माहे ने कहा यस सर सीएनडी। अच्छा महरुख, आपका नाम बड़ा टफ है, मैं आपको माही बोल दूंगा। सीएनडी, देखो अब सब बदल रहे हैं, सब चालाक है, सब बदलेगा आप। हाँ कैसे, प्रूफ तो मांगोगे, मुझे पता था। ठीक है चलो फिर बता देते हैं कैसे। अच्छा अब एगो का तर्क समझिए, क्योंकि एक इंसान दो जगह कैसे बैठ सकता है। ठीक है, क्यों नहीं बैठ सकता है भाई? वाह कुछ भी बोल देना है, क्यों नहीं बैठ सकता है? टोटल नंबर निकालने के लिए आप लेफ्ट और राइट से जोड़ के माइनस नहीं कर रहे थे कुछ भी? अब ऐसा मत करो कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, इतना अच्छा बताने के बाद भी अब आप नहीं कर रहे हो तो पता नहीं चला मुझे क्लास में हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे क्या कर रहे हो भाई? टोटल नंबर निकालने के लिए लेफ्ट और राइट एक ही व्यक्ति का और बाहर माइनस कर रहे थे वन, तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया? अभी मैं हिल गया हूं बिल्कुल पूरी तरीके से। देखो मैं उस तरह का मास्टर नहीं हूं, एकदम क्लियरली बता देता हूं कि मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि एक टाइप का सवाल लगाया लाया और आपको एकदम फटाफट एकदम आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, आप भी खुश एकदम चौड़े से एकदम कि अरे सर तो बता दिए, गर्दा मचा दिए। अब जब एग्जाम में गए तो टाई टाई फीस, फिर बाहर निकलोगे सबसे पहले हमले कर जाओगे, इस खाली क्लास में हीरो बना दिया, आप एग्जाम में बन भी नहीं कर रहा है। तो मैं उस तरह का सवाल नहीं हूं कि भाई हीरो बनने के चक्कर में आसान आसान मैं आपको फंसाता हूं जो एग्जामिनर करता है। समझो बात को, मैंने कहां फंसाया आपको, समझो बात को। यहां पर कह रहा है एक लाइन में राजू का स्थान, लाइन में राजू का स्थान बाएं छोर से 1336 है। आपने क्या किया? 1336 और दाएं छोर से 2112, तो 6 2 8, 3 1 4, 3 1 4 और 2 1 3, असद माइनस वन कर दिए, 3 4 4 7 आपने ये कर दिया। ठीक है आपने किया सही, लेकिन उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं वो सही हो जाएगा, कितने लड़के हैं आप लड़कों का संख्या कैसे निकाल सकते हो? किसी एक लड़कों का संख्या संभव है? आपसे पूछता पंक्ति में कुल कितने हैं, तो आंसर सही था। यह पूछ रहा है कि लड़के कितने हैं, तो पंक्ति में लड़के थोड़ी होगा, जरूरी है कि लड़के ऐसा है, कहीं लिखा हुआ है कि लड़कों की एक पंक्ति में कहीं लिखा हुआ है सवाल में? नहीं ना, एक पंक्ति में, तो उस पंक्ति में लड़का है यह आपने कैसे पता कर लिया? लड़की भी हो सकती है, आपने कैसे पता कर लिया कि उस पंक्ति में केवल लड़के हैं? कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि एक पंक्ति में राजू का स्थान, यानी एक लाइन में राजू का स्थान बताया केवल, तो आप कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते थे, लड़कों की संख्या पॉसिबल नहीं है, तो आंसर सी एंड डी। कमेंट कर दो मुस्कुरा के, समझ में आया? फंस गया ना जाल में, तो मैं फंसाता हूं ताकि आप वहां मत फंसो, यहां गरिया लो वहां मत गरियाना। चलो बताओ इसका, समझ में आया? कमेंट कर दो फटाफट। अब देखो सॉरी बोल रहे हो, सॉरी का लेके मैं क्या करूंगा, इतने बच्चे सॉरी बोलेंगे मेरे पास पॉकेट भी कम पड़ जाएगा, नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, हो सकता है आंख से आंसू भी आ जाए इतना सॉरी सुन के, इमोशनल चला जाऊं, और मैं बिल्कुल इमोशनल वाला इंसान नहीं हूं, रोना रोना मुझे नहीं आता, तो प्लीज रुलाओ मत यार, हंस दो एक बार कि हाँ सर गलत सॉरी हटाओ, सॉरी क्या करूंगा मैं लेके, स्माइल कर दो उतने से खुश हो जाऊंगा, फटाफट स्माइल कर दो इतना काफी है, सॉरी लेके मैं क्या करूंगा, मुझे भी दुखी आत्मा बना दोगे आप लोग। आंसर सी एंड डी, एक बार स्माइल कर दो, जिसको डाउट है कमेंट करो फटाफट। चलो फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड। जो एग्जाम में जिस तरह से आपको फंसा सकता है मैं उससे बचा सकता हूं कि भैया तुम अभी से प्रैक्टिस कर लो, ऐसा ऐसा सवाल आता है। तो कहने का मतलब है कि आपको रटना नहीं है, दिमाग खोलो, ठीक है दिमाग खोल लो जरा सा, क्योंकि अब तक मुझे ठगना नहीं आता विद्यार्थी को, मैं वही करता हूं जो एग्जाम में पूछता है, जिस तरह से आप फंस सकते हो, बाकी आसान आपको आता है तो आसान करवा के हीरो मुझे नहीं बनना है, हीरो मैं पहले से हूं। चलो मजा कर आगे आ जाओ, यहां पर अगला सवाल। छोटे कुमार कह रहे हैं आई एम क्लियर सर, वाह तुम एकदम क्लियर हो, वेरी गुड। शालिनी सिंह ने, हाँ चलो एक बात और, मैं भी ग्रुप में जुड़ा हूं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे एक शालिनी हो गई, एक अजीत हो गया,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो भी एक्टिव रहते हैं, देखते हैं फटाफट सब जोड़ते रहते हैं, इनका भी थैंक यू कर देना, इन लोग भी मेहनत करते रहते हैं आपके पीछे। जो जो एक्टिव स्टूडेंट हैं मैं देखते रहता हूँ आपके हर पोस्ट को मैं देखता हूँ। तो शालिनी हो गई, एक आपका दीपक है शायद, एक और डॉली है, ये सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इनका भी थैंक्स बोलना मत बोलना, ये भी आपके लिए एक्टिव है। और बाकी बच्चों का मैं नाम नहीं याद नहीं है, सॉरी कमेंट किया तो याद आ गया, बाकी सारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो जो एक्टिव है तो मैं देखता हूं ग्रुप में, ठीक है, मैं भी आपके ग्रुप में हूं। चलिए फटाफट बताइए, 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 44 है और निशा का स्थान नीचे से 46 है, तो बताएं राम और निशा के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, बताइए फटाफट फटाफट जल्दी बता दीजिए कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। चलो बताओ जल्दी से, चलो वेरी गुड, 28, वाह क्या बात है, वेरी गुड सी, वेरी गुड वेरी गुड। मैं रुक माए, अच्छा माही ने, मैं उनको माही बोलूं, आपका नाम लेने मुझे नहीं आ रहा है, क्या करूं थोड़ा सा। चलो वेरी गुड, सबका सी आ रहा है कुछ बच्चों को छोड़कर, वेरी गुड रोहित रंजन, माही 30, चलिए वेरी गुड। अब ये पहले ही सब मैं गधा को पीटूंगा, इन लोगों को समझा रहा हूं कि मैं फंसा रहा हूं बार बार, आप लोग फंस रहे हो, शिकारी मैं हूं, एग्जामिनर मैं हूं, आप बार बार फंस रहे हो, अरे गधे बेवकूफ डफर उल्लू एकदम पाजी हो आप लोग। 120 बच्चों की क्लास में राम का स्थान 44 है, निशा का स्थान 46 है, तो टोटल 120 लेफ्ट और राइट, तो 46 40 यही ना, 90, 120 यानी टोटल कम है, 90 घटा दो 30, ऑप्शन में मैंने दिया ही नहीं, जान के हटा दिया, नन ऑफ दिस, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, जागो दिमाग खोलो, 30 आंसर होगा अगर इसमें बोलो तो, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस माही, आंसर करना था आपको नन ऑफ दिस, क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब वो कह रहा है सीएनडी, कैसे सीएनडी होगा, यही सवाल मैंने पीछे करवाया, मैं बता रहा हूं कि बार बार मैं पकड़ के रखता हूं चीजों को, एकदम क्लियर करवा दूंगा। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 44 है और निशा का स्थान 46 है, तो बताएं राम और निशा के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो फिर तो वही बात हो गया ना रे भाई, तो दोनों के बीच 120, और आप बोलोगे सर प्रूफ करो, तो लाइन इतना लंबा नहीं खींचेंगे, कैसे ऐसे खींचेंगे, 120 का है और इसका 46 है, इधर 44 है, तो बीच में काउंट कर दो आ जाएगा आपका 30, कैसे गलत कर रहे हो, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है रॉकिंग, ये अभी अभी क्लियर हुआ कमेंट कर दो। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थियों का, हाँ माही आपने सही आंसर दिया था, मैं आप ही को माही बोल रहा हूं, माही की जगह मैंने आपको माही बोला है, चलो कमेंट कर दीजिए क्लियर हुआ, फंसो मत यार, मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि मैं आसान एकदम एक ही टाइप का ला के आपको बता दूंगा और बड़ा हीरो बन जाऊंगा, कह रहे सर बड़ा अच्छा बता दिए, नहीं वो उम्मीद मत रखना, जो बताऊंगा अलग अलग तरह के बताऊंगा और जो एग्जाम में पूछ रहा है वही बताऊंगा। और अब इसके बाद हम लोग 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो मुस्कुरा दो फटाफट जल्दी से, वेरी गुड दीपक शालिनी अशोक अमृत सर फिर से बता दीजिए, अरे अभी ना मैंने बताया, अरे 120 बच्चों, अब बीच में जब पूछे ना, अगर बीच में पूछे तो आपको करना क्या है, अगर टोटल कम रहे और लेफ्ट राइट ज्यादा रहे तो टोटल में 2 ऐड कर दो, और अगर टोटल ज्यादा रहे और लेफ्ट राइट कम करे तो लेफ्ट राइट को जोड़ कर टोटल लेफ्ट राइट प्लस, यानी कब, जब लेफ्ट ज्यादा रहे तब, लेफ्ट ज्यादा यानी टोटल ज्यादा रहे तब, और अगर टोटल कम रहे लेफ्ट राइट
ऑप्शन में है नहीं तो न, बता दिया ना मैंने फिर से, जब अगर टोटल अधिक रहे तो लेफ्ट राइट को टोटल में घटा दो, तब ये ओवरलैपिंग का सवाल नहीं बनता है। अगर टोटल ज्यादा है तो ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे ही टोटल में प्लस टू लग गया, इसका मतलब ओवरलैप का सवाल है वो। यानी देखो, अगर टोटल कम है तो प्लस टू, टोटल ज्यादा है तो लेफ्ट राइट को घटा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यहां पर। अब देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है? ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, केवल टाइम 10 सेकेंड। ये मैंने आपके जो सवाल करवाए वो एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ रहा है, तो मैंने करवा दिया। अब आपका ये चैप्टर क्लियर, ठीक है? उससे पहले मुझे बता दो सबका क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट कर दो। ऑल क्लियर है कि नहीं है, एक बार सारे बच्चे? काजल कुमारी 30, यस सर, हाँ 30 ही होगा। एक बार कमेंट कर दो, ये प्रैक्टिस यहां से स्टार्ट करवा रहा हूं, यानी कि जो पढ़ाया उससे बता रहा हूं सवाल, यानी कि आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट कर देना, ठीक है? रैंकिंग अब सवाल नहीं ना छूटेगा ऐसे सवाल। सालनी यस सर, दीपक यस सर, ठीक है, वेरी गुड। प्रियंका बी, मैं पूछ उसके बाद आंसर करना। रैंकिंग क्लियर हुआ कि नहीं, अब नहीं ना फंसोगे, कमेंट कर दो क्लियर है ना एकदम। काजल ऑल क्लियर, तेरी वेरी गुड। और मैंने कोई प्रीवियस यानी पहले वाला कोई दादा आजम वाला नहीं पढ़ाया है, जो करंट एग्जाम पूछ रहा है, क्योंकि आपको टीचर नहीं बनना है, आपको रिजल्ट लेना है, तो उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम पूछ रहा है, ठीक है? बस स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं कि हम शुरू से वो किताब उठाएंगे, धनाधन धनाधन बना देंगे, आप पता चला कि एग्जाम में गए, एक ही चीज में बनाया, दूसरा बना ही नहीं आपसे। ज्ञाता मत बनो, केवल नॉलेज गेन करो कि हमें रिजल्ट मिल जाए। बच्चे को पता ही नहीं होता है, उनको लगता कि पूरा पढ़ लेंगे एक किताब से तो हमें यहीं से पूछेगा, नहीं, केवल नॉलेज लो। ज्ञाता अगर आपको पढ़ाना है तब पढ़ो डीपली, लेकिन जब आपको एग्जाम निकालना है तो जो पूछ रहा है वही पढ़ो। चलिए रोहित रंजन, तो आपकी गलती है सर, अब रेगुलर क्लास हो रहा है, ठीक है, रेगुलर क्लास हो रहा है अब, तो ये आपकी गलती है, कल से रेगुलर आ जाइए 6:45 से। चलिए वेरी गुड, आंसर करो क्या होगा। तो कह रहा है कि सैम का ये प्रैक्टिस चल रहा है, तो हम लोग फटाफट 2-3 सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे, बाकी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में आंसर भी रहेगा, लेकिन आप सॉल्यूशन भेजोगे अपने कैमरे से, ठीक है? और प्लीज क्लियर भेजना, जो आप बनाओगे उसको क्लियर, ताकि मैं राइटिंग पढ़ पाऊं, आपका देख पाऊं तरीका कैसे आप बना रहे हो, क्या आपका, क्योंकि आपका तरीका देखूंगा तो हो सकता है अगर गलत रहे तो मैं आपको बताऊं कि यहां ये नहीं ये कर लो, ठीक है? तो फटाफट देखो यहां पर, सैम यानी इंग्लिश वाला इंग्लिश में देखेगा, हिंदी वाला हिंदी में देखेगा, सेम कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38 है, तो बताए कुल विद्यार्थी संख्या कितना है, और आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। सैम ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने हैं, तो जोड़ दो, और इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 47 और माइनस 1 46। लो अब इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही देखो आंसर उड़ा दो, 10 सेकंड काफी है। चलिए अगला, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जल्दी करना क्योंकि अब इसके बाद हम लोग का क्लास होता है, तो हमारा शेड्यूल बीजी है 8 से लेकर 9 बजे तक। इसके बाद आपको मैथ वाला सीधे 10 बजे मिलेंगे, 9:45 में रात में। चलो फटाफट बता दो, काजल 46 वेरी गुड, सुरुचि वेरी गुड, सुरुचि बीच में गायब हो गई थी, काजल बनी हुई है, सुरुचि गायब हो जाती है। कह रहा यदि अतुल लड़कों की एक रेखा में अपने यानी एक लाइन में अपने 12वें और दाएं से चौथा है, तो बताए रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 13 रेखा में कितने जोड़ा जाए कि 28 लड़के हो, बता जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। अब ये मत बोल देना कि इंग्लिश पढ़े नहीं आता सर के, पढ़ दे रहा हूं। इफ अतुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉयज इन लाइन। ठीक है, आजकल युग जमाना खराब है, अगर हिंदी खाली पढ़ो तो बोलेगा अरे इसको हिंदी इंग्लिश नहीं आता है,
चलो देखो आंसर आ रहा है बी बी। अब किसी का मैं पढ़ लेता हूं, शंकर कुमार एक बार फिर से कमेंट करना, रिकमेंड करो। शंकर, शंकर के बाद दीपक, मोनू, दीपक, पप्पू, काजल, मनीष, तनुजा, पप्पू, संतोष, प्रवीण। संतोष का 12 आया, 12 कैसे आया जरा बताना तो मुझे। तब मनीष का भी 12 आया है, इस सब के सब ये बाद में जुड़े होंगे। सुरुचि बी, वेरी गुड। अच्छा सुरुचि बी, यानी उसके बाद उसने कंफर्म कर दिया कि सब 13। माही 14, अरे 14 कैसे आ जाएगा माही। शालिनी 13, पप्पू 13, दीपक बी, नविता 84, 13। अब बी, वेरी गुड। देखो सिंपल बात समझो, कह रहा है अपना कलम इस्तेमाल मत करो, दिमाग इस्तेमाल करो। दिमाग कह रहा है कि अतुल लड़कों की लाइन में अपने दाई ओर से 12 है, कितना है 12, और लेफ्ट से फोर्थ है यानी चौथा है, तो 12 4 16, यही ना कि 12 4 16, और क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 15। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने दिमाग में कर सकते हो। तो जब टोटल 15 मिल गया तो कितना जोड़ेंगे, 28 आ जाएगा, तो 13 हो गया। चलो आज के लिए इतना ही, अब एक बार बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इसके बाद इंग्लिश क्लास होता है इंग्लिश का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर फ्री नहीं है, तो अब आपका क्लास मैथ का क्लास होगा, मैथ का क्लास 9:45 से 10:45 तक, यानी बाकी सर की मर्जी बाकी आपकी मर्जी, 9:45 में आ जाओ, बाकी सर जाने और आप जानो कितना देर पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो कमेंट कर दो कैसा लगा आज क्लास, ठीक है, यानी विदाई होनी चाहिए मुस्कुराते हुए, क्योंकि आज अब इसके बाद आपसे हम केवल टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, फिर बाकी कल मिलेंगे। तो एक बार मुस्कुरा के बता दो कैसा लगा क्लास, यानी आप जो जितना ज्यादा मुस्कुराएगा उतना हमें समझ में आएगा कि अच्छा लगा, केवल मुस्कुराना है, ठीक है, सारा राज छुपा हुआ है स्माइल में। चलिए सपना कुमारी, वेरी गुड। ऐसा नहीं कोई लिखेगा नहीं, केवल मुस्कुरा दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वेरी गुड, अच्छा लगा, लेकिन लाइक नहीं करोगे, ठीक है, अच्छा लगा ये कौन सा है भाई, अच्छा लगा लेकिन लाइक नहीं करोगे, वेरी गुड। अबे वो थैंक यू बोलेगा, किस बात का थैंक यू, किस बात का थैंक यू, थैंक यू नमिता, चल वेरी गुड, केवल मुस्कुरा देना है, जल्दी से फटाफट, वेरी गुड। विपिन, मुकेश, तनुजा, अमृता, प्रवीण, काजल, बाकी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जूली, अमृत, धन्यवाद अजीत सर जी, चलिए वेरी गुड, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे, चलो थैंक यू, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सेफ रहो।